हेलो एस्पिरेंट्स वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर टुडे वी विल डिस्कस न्यूज़पेपर एनालिसिस डेटेड फिफ्थ ऑफ मार्च 2023 एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग दिस एनालिसिस हेल्पफुल देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फर्स्ट न्यूज ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर टू विजिट इंडिया बैट्स फॉर डीपर टाइज ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज इंडिया आने वाले हैं और ये इनकी फर्स्ट विजिट होगी क्योंकि बेसिकली इन्होंने मई 2022 में ही चार्ज लिया था तो ये इनकी फर्स्ट विजिट होगी क्वार्ट के फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है उसका जो आउटकम होता है उसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था कल ही डिस्कस किया था क्वार्ट में चार कंट्रीज़ हैं इंडिया है यू है ऑस्ट्रेलिया है जापान है क्वार्ट फॉरन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई जिसमें ये कहा गया कि ये जो रशिया न्यूक्लियर थ्रेट दे रहा है ये यहाँ पर इनएडमिसिबल है चाइना बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिहेवियर दिखा रहा है इंडो पैसिफिक में तो चाइना को कंटेन करने की ज़रूरत है और जो यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है और जो यूक्रेन की सवर्निटी है इसको रिस्पेक्ट करने की ज़रूरत है डेली कैनबेरा अनाउंस द एल्बेज विजिट अ डे आफ्टर क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स क्वाड में आपको चार कंट्रीज मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया इंडिया जापान यूएस सेंड अ क्लियर मैसेज टू रशिया ओवर द यूक्रेन वॉर एंड टू चाइना ओवर इट्स एग्रेसिव बिहेवियर इन द इंडो पैसिफिक और बेसिकली ग्रूप का ये कहना था कि यूक्रेन की सॉवर्निटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए यूक्रेन की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी की रिस्पेक्ट होनी चाहिए

की साथ मिलकर काम करें डिफेंस इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल इंटरेस्ट को इनहेंस करें वॉट इट टेक्स टू बाई एन इलेक्टोरल बॉन्ड तो बेसिकली यहाँ पर क्या बताया गया है तो एक पर्सन गया था इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाय करने तो वेबसाइट के ऊपर उसको कोई इंफॉर्मेसन नहीं मिली जब वो यहाँ पर एसबीआई की न्यू दिल्ली ब्रांच में गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स को बाय करने तो उसको सिक्स फ्लोर पर भेज दिया गया वहाँ पर भी उसको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं important है इंपॉर्टेंट है इलेक्टोरल बॉन्ड्स तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स को लेकर यहाँ पर जो जनरल पॉइंट्स दिए गए हैं हम उसको डिस्कस करते हैं पहला पॉइंट सिर्फ एस ही ऑथोराइज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल करने के लिए तो सिर्फ एस ही ऑथोराइज है इलेक्टोरल बॉन्ड्स को सेल करने के लिए द एस बी आई न्यू डेली मेन ब्रांच इज़ वन ऑफ द ट्वेंटी नाइन ब्रांचेज ऑफ द बैंक अक्रॉस द कंट्री ऑथोराइज टू सेल इलेक्टोरल बॉन्ड्स दूसरा पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमिटी ऑफर करते हैं क्योंकि ये जो स्कीम है ये ये कहती है कि जो बायर की आइडेंटिटी है इसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाएगा तो इलेक्टोरल बॉन्ड्स एनोनिमिटी को ऑफर करते हैं जो सबसे छोटा डिनोमिनेशन हो सकता है इलेक्टोरल बॉन्ड का ये है थाउजेंड रुपीस और सबसे ज्यादा हो सकता है रुपीस वन करोड़ तो लार्जेस्ट डिनोमिनेशन है वन करोड़ और सबसे छोटा है थाउजेंड रुपीस स्कीम अलाउज एनी इंडियन सिटीजन कंपनी पार्टनरशिप फर्म

Used. तो बेसिकली सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि कॉम्पनसेटरी के लिए जो यहाँ पर लैंड अलॉट किया गया है ये मोस्टली यहाँ पर बैरन है जहाँ पर फॉरेस्ट सर्वाइव कर ही नहीं सकते हैं तो बैरन एंड रॉकी लैंड वे आर न्यूपलिंग प्रीकैरियसली प्लांटेशन स्प्लिट ओवर मल्टीपल डिसजॉइंटेड लोकेशन और इसके अलावा यहाँ पर जो एरिया एलोकेट किया गया है कंटिन्यूस बेसिस पर नहीं किया गया है बेसिकली ये अलग अलग लोकेशन पर किया जा रहा है प्लांटेशन स्प्लिट ओवर मल्टीपल डिस है जो कि अनयूटिलाइज पड़ा हुआ है इन स्टेट कॉफर्स इंडिया टू कॉम्पनसेट फॉर फॉरेस्ट तो बेसिकली यहां पर अगर फॉरेस्ट को डाइवर्ट किया जाता है किसी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए बेसिकली यहां पर नॉन फॉरेस्ट पर्पज के लिए तो उसके लिए कॉम्पनसेट करना पड़ता है कि बेसिकली इतने ही एरिया पर या इससे ज़्यादा एरिया पर यहाँ पर ए फॉरेस्टेशन करना होगा गुड क्वालिटी डेंस फॉरेस्ट लेंथ इज़ ऑफन लॉस्ट और यहाँ पर जो प्लांटेशंस ग्रो की जा रही हैं ये एक्चुअली उस फॉरेस्ट को कॉम्पनसेट कर ही नहीं सकती हैं The compensatory afforestation program is a unique legal requirement कि basically अगर forest के यहाँ पर loss हो रहा है infrastructure development की वजह से या किसी और वजह से यहाँ पर forest को divert किया जा रहा है for non forest purposes तो इस loss को offset किया जाए और उसके लिए ही है compensatory afforestation it is also a crucial tool towards achieving तो basically India का target है India का INDC डी है और इंडिया का आई ये है कि हमें एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना है टू पॉइंट फाइव टू थ्री बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्वलेंट बाई द ईयर ट्वेंटी थर्टी आई एन क्या होते हैं तो अंडर पेरिस एग्रीमेंट यहाँ पर आपको आई एन सबमिट करने पड़ते हैं और इंडिया ने अपडेट भी किया था तो आपको अपडेटेड आई भी पता होने चाहिए और जो प्रीवियस वाले थे उससे क्या चेंज किया गया आपको ये भी पता होना चाहिए और इसके अलावा जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ग्लासगो में पंचामृत टारगेट्स दिए थे आपको ये भी पता होना चाहिए Also support लेकिन इसमें तो सबसे इंपॉर्टेंट है कॉम्पनसेटरी एफॉरस्टेशन तो कॉम्पनसेटरी एफरेस्टेशन फंड एक्ट ट्वेंटी प्रोजेक्ट डेवलपर्स गवर्नमेंट और प्राइवेट ये अब्लाइजें कि इनको एक कॉम्पनसेशन अमाउंट पे करना पड़ेगा और यहाँ पर जो भी अलग तरीके की फीस होती है ये सब पे करना पड़ेगा अगर जो भी ये लोग प्रोजेक्ट कर रहे हैं इसमें अगर डाइवर्जन हो रहा है फॉरेस्ट लैंड का और ये जो ये लोग पैसा देंगे इसका यूज़ किया जाएगा ए फॉरेस्टेशन के लिए और ए फॉरेस्टेशन से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उसके लिए 2016 से जब से इसको लॉ को इनैक्ट किया गया है मोर देन रुपीज सिक्सटी सिक्स थाउजेंड कलेक्ट किया गया है इना नेशनल फंड और उसके बाद जो सेंटर है ये स्टेट को देता है बेसिकली जिस स्टेट में भी यहाँ पर लैंड अलॉट किया गया है ए फॉरेस्टेशन के लिए उस स्टेट को ये फंड दिया जाता है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स शो दैट अबाउट रुपीज फिफ्टी फाइव थाउजेंड करोड़ को यहाँ पर ट्रांसफर कर दिया गया है टू स्टेट गवर्नमेंट्स लेकिन सिर्फ यहाँ पर बाईस हजार चार सौ छियासठ करोड़ जस्ट अबाउट फोर्टी परसेंट ऑफ दिस अमाउंट सिर्फ इसको ही एलोकेट किया गया है ए फॉरेस्टेशन के लिए बाकी सारा पैसा यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट के कॉफर्स में पड़ा हुआ है और ये अभी तक अनयूटिलाइज है गवर्नमेंट ऑफिशल्स से मनी फॉर एफॉरेस्टेशन कैन बी यूटिलाइज ओनली इन फेजेस फॉरस्टेशन एक्टिविटीज स्टार्ट हो चुकी है ऑन एटलीस्ट नाइनटी परसेंट ऑफ़ द लैंड जिसको आइडेंटिफाई किया गया था कॉम्पनसेटरी ए फॉरस्टेशन के लिए मनी इज ओनली वन पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम और क्या प्रॉब्लम है तो बेसिकली जो यहाँ पर लैंड अलॉट किया जा रहा है कॉम्पनसेटरी ए फॉरस्टेशन के लिए ये एक्चुअली यहाँ पर बैरन लैंड है और यहाँ पर फॉरेस्ट का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है कॉम्पनसेटरी ए फॉरस्टेशन साइट्स इन छत्तीसगढ़ एंड ओडिशा टू ऑफ द मोस्ट हेवली फॉरस्टेड स्टेट टू फाइंड दट द प्लान हार्डली रिजेंबल द फॉरेस्ट जिनको कि यहाँ पर क्लियर किया गया है अ मेजर पार्ट ऑफ द रीजन इज दैट न्यू प्लानेशन को यहाँ पर फॉरेस्ट की तरह बनने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा एंड मोस्ट ऑफ़ द कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन अभी बहुत नया है की चैलेंज यह भी है कि यहाँ पर जिस तरीके का लैंड दिया जा रहा है प्लानेशन के लिए यह लैंड बहुत ही ज्यादा खराब है फॉर एग्जाम्पल इन धमाथ्री डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट आर बींग क्लियर बेसिकली यहाँ पर फॉरेस्ट को क्लियर किया गया था क्योंकि एक हाईवे बनाना था जो कि लिंक करता टू तो विशा का पता और इसके लिए सत्तासी हजार ट्रीज को काटा गया था दे ऑल्सो शो देट फोर फिफ्टी सेवन हैक्टेयर्स ऑफ लैंड जो कि यहाँ पर एलोकेट किया गया कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन के लिए जो यहाँ पर डाइवर्टेड फॉरेस्ट था उसका डबल एरिया यहाँ पर एलोकेट किया गया लेकिन ये यह जो यहाँ पर लैंड एलोकेट किया गया है ये डिसजॉइंटेड लोकेशंस पर ये कंटिन्यूस बेसिस पर आपको इतना ज़्यादा लैंड नहीं दे रहे हैं बट हे इज़ द कैच अनलाइक द डाइवर्टेड फॉरेस्ट लैंड फॉर कॉम्पनसेटरी ए फॉरस्टेशन ये कंटिन्यूस नहीं है बल्कि स्प्रेड है ओवर नाइनटीन लोकेशन तो उन्नीस जगह पर यहाँ पर थोड़ा थोड़ा लैंड करके ये लैंड प्रोवाइड किया गया है तो क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन द फॉरेस्ट लैंड जिसको कि डाइवर्ट किया गया है और जो लैंड यहाँ पर दिया जा रहा है कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन में इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है तो बेसिकली डी टाइप का लैंड दिया जाता है बैरन लैंड दिया जाता है फॉर कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये भी आता है कि कंपेयर करने की जरूरत नहीं है आपको यहाँ पर हाईवे लिंक बनाना था क्योंकि ज़रूरत थी तो आपने यहाँ पर हाईवे लिंक बनाया और फॉरेस्ट को डाइवर्ट करने की जरूरत पड़ी जो यहाँ पर फॉरेस्ट है उसको यहाँ पर आपने नॉन फॉरेस्ट डाइवर्ट किया नॉन फॉरेस्ट पॉपोस के लिए डाइवर्ट किया तो जितना भी आपसे कॉम्पनसेट हो सकता है आप बस यहाँ पर कॉम्पनसेट करने की कोशिश कर रहे हो आप यहाँ पर कंपैरिजन नहीं कर सकते किसी फॉरेस्ट से ये यह यहाँ पर एक पॉइंट कहा गया है तो कॉम्पनसेटरी ए फॉर इज कॉम्पनसेटरी ओनली इन ए

द इम्पॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू कंपेयर द टू एंड रेज क्रिएटिंग फॉरेस्ट जैसा कि यहाँ पर नेचुरल रन था तो जितना कॉम्पनसेशन हो सकता है उतना कॉम्पनसेट करने की कोशिश करो ये उससे तो अच्छा ही है कि आप कुछ मत करो आपने यहाँ पर डाइवर्ट कर दिया और उसके बाद कुछ आप कर भी नहीं रहो एटलीस्ट आप ए एफ, फॉरेस्टेशन एफ, के लिए स्टेप्स तो ले रहो एफर्ट्स तो ले रहो ये भी यहाँ पर एक पॉइंट बताया गया है एक यहाँ पर और इशू है और वो ये इशू है कि कई बार ऐसी जगह लैंड एलोकेट कर दिए गए जो कि यहाँ पर ट्राइबल्स रहा करते हैं या तो फॉरेस्ट डिवेल्स रहा करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा इशू है दिस इज गाइडलाइंस कि ये जो यहाँ पर लैंड एलोकेट किया जा रहा है ये अलाइंट होना चाहिए विद द फॉरेस्ट राइट्स एक्ट जो कि यहाँ पर ट्राइबल्स और बाकी फॉरेस्ट डिवेलर्ट्स को लीगल ओनरशिप देता है राइट्स ऑफ द लैंड दे लिव एंड इसको ये लाइवलीहुड लाइवलीहुडेस के लिए यूज़ कर सकते हैं लेकिन कई बार ये देखा गया कि जो ट्राइबल्स और फॉरेस्ट डिवेलर्ट्स का लैंड है ये यहाँ पर कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन के लिए एलोकेट कर दिया गया अब हम चलते हैं आगे फेस्ड विद ग्लट फार्मर्स से गिव पोटेटोज इंस्टेड ऑफ वीट थ्रू पी तो कुछ टाइम पहले हमने अनियन के बारे में डिस्कस किया था कि अनियन की सप्लाई बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है और जिसकी वजह से प्राइस बहुत ज़्यादा कम हो गए हैं और सेम हमें पटेटो के लिए देखने को मिल रहा है तो पोटैटो इज़ होल सेलिंग एट रुपीज़ फोर हंड्रेड फोर फिफ्टी पर क्विंटल इन आगरा अब पोटैटो की बेसिकली यहाँ पर सप्लाई इंक्रीज़ हो गई और जिसकी वजह से इतना नीचे चले गए He attributes the lack of buying interest to two factors. अभी दो factors कौन से हैं? पहला तो factor ये है कि bumper crop हुई है from newer potato varieties. तो आपको यहाँ पर potato variety के नाम पता होना चाहिए. For example, Kufri Bahar. ये क्या है? ये एक potato variety है. तो Kufri Bahar और यहाँ पर नई varieties है. For example, Kufri Sangam, Kufri Mohan, Kufri Khayati. तो Kufri ये वड़ा है तो आप basically relate कर सको कि ये potato की variety है. ठीक है तो सी पी आर आईज सेंट्रल पटेटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कुफ़री संगम कुफ़री मोहन कुफ़री ख्याति ये यहाँ पर वराइटी है इसके अलावा कुछ हाइब्रिड वैरायटीज़ हैं लेकिन हाइब्रिड वैरायटीज़ के इतने फैंसी नेम नहीं है तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा पोटैटो फार्मर्स यूजली सेल सेल्फ्टी टू ट्वेंटी परसेंट ऑफ देयर क्रॉप इमीडिएटली और बाकी ये यहाँ पर कुछ टाइम के बाद बेचते हैं कोल्ड स्टोरेज में इसको रखते हैं नेक्स्ट हम चलते हैं आगे पर प्रॉब्लम क्या हो रही है अगर ये कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं तो प्रॉब्लम ये हो रही है जो कुफरी बहार है इसकी तो थिक स्किन होती है और इसको कोल्ड स्टोर में रखा जा सकता है लेकिन जो नई वैरायटी है इसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हो और ये जो नई वैरायटी है इसकी सप्लाई बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है ईडी टू कोर्ट डिक्लेयर दे वीईओ एस फ्यूडेटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर अब ये केस क्या है पूरा ये इंपॉर्टेंट नहीं है बेसिकली देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड क्या केस है फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको लेकर 2018 में एक एक्ट आया था तो उस एक्ट के कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं तो फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट ट्वेंटी इट सीक्स टू प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो कि कंट्री छोड़कर चले गए हैं क्रिमिनल प्रोजिक्यूशन को अवॉइड करने के लिए फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या और ये कंट्री में वापस भी नहीं आ रहे हैं प्रोजिक्यूशन को फेस करने के लिए तो फॉर एग्जाम्पल विजय माल्या नीरव मोदी तो इट टू टू प्रॉपर्टीज ऑफ इकोनॉमिक ऑफेंडर्स जो कि कंट्री को छोड़कर चले गए हैं अवॉइड फेसिंग क्रिमिनल प्रोजिक्यूशन और एक कंट्री में वापस भी नहीं आ रहे हैं टू फेस प्रोजिक्यूशन फ्यूजटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर किस पर्सन को कहा जाएगा तो बेसिकली जिस पर्सन की अगेंस्ट अरेस्ट वारंट है और इसने यहाँ पर ऑफेंस किया है जो कि लिस्टेड है इस एक्ट में और जो वैल्यू ऑफेंस की ये सौ करोड़ से ज्यादा है तो सौ करोड़ वैल्यू आपको याद रखनी है सम ऑफ़ द ऑफेंसेस जो कि लिस्ट किए गए हैं फॉर एग्जांपल काउंटर फीटिंग गवर्नमेंट स्टैम्प और करेंसी या तो चेक डिसऑनर हुआ है मनी लॉन्ड्रिंग की है ट्रांजैक्शन किए हैं और जिसकी वजह से यहाँ पर क्रेडिटर्स को डिफ्रॉड किया गया है डिक्लेरेशन ऑफ ए फ्यूचर इकनोमिकर तो आफ्टर हेयरिंग द्लीकेशन स्पेशल कोर्ट जिसको कि डेजिग्नेट किया गया है अंडर दी एम मे डिक्लेयर कि ये जो इंडिविजुअल है ये यहाँ पर फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर है और उसकी प्रॉपर्टी को कन्फिस्केट किया जा सकता है विच आर प्रोसीड्स ऑफ क्राइम बेनामी प्रॉपर्टीज या कोई और प्रॉपर्टी जो कि इंडिया या अब्रॉड में हो अपॉन कन्फिस्केशन जो भी राइट्स हैं जो भी टाइटल्स हैं प्रॉपर्टी के ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे फ्री फ्राम इनकम्बर सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट कर सकती है इस प्रॉपर्टी को मैनेज करने के लिए या डिस्पोज करने के लिए नेक्स्ट है नेवी चीफ टाइज विद अदर्स मस्ट टू टैकल मेरी चैलेंजेस तो हमें दूसरे कंट्रीज के साथ टाई अप करना चाहिए मेरी चैलेंजेस को टैकल करने के लिए क्योंकि कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं कि एक पर्टिकुलर कंट्री उसके साथ डील नहीं कर पाएगा तो ज़रूरी है कि यहाँ पर कोऑपरेशन करने की ज़रूरत है देर इज अ नीड फॉर कोऑपरेशन अमंग कंट्रीज टू टैकल मेरी चैलेंजेस विच आर ट्रांसनेशनल और इसको यहाँ पर इंडिविजुअली एड्रेस करना बहुत मुश्किल है

रिलीफ फॉर एक्साम्पल अभी टर्की में अर्थ आया था तो इंडिया रिस्पॉन्सिबिलिटी तो जल जीवन मिशन की बात की गई स्वच्छ भारत मिशन की बात की गई है तो इन सबके बारे में आपको पता होना चाहिए और लॉन्च किया गया है जल शक्ति अभियान जल शक्ति अभियान क्या है कैच द रेन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री नेक्स्ट है अनयूज अनसुटेबल ट्रैक्ट ऑफ लैंड एक्ट एज रेड लाइटोर है प्रोमिस किया है कि हम अपने फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करेंगे हम अपने ट्री कवर को इंक्रीज करेंगे सो दैट वी आर एबल टू एब्सॉर्व एन एडिशन अमाउंट ऑफ टू पॉइंट फाइव बिलियन टू थ्री बिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पाइप थर्टी और भी हमारे टारगेट हैं फॉर एग्जांपल हमें अपनी एमिशन इंटेंसिटी को करना है आई थिंक फोर्टी फाइव परसेंट करना है इसके अलावा यहाँ पर डिप्लॉयमेंट करना है रिनेबल एनर्जी का तो इसका टारगेट हमारा फाइव हंड्रेड गीगा वॉट है कॉम्पनसिट्री ए फॉरेस्टेशन प्रोग्राम विच सीक्स टू इंश्योर कि अगर फॉरेस्ट लैंड को यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस के लिए तो उसके लिए ए फॉरेस्टेशन एफर्ट करना पड़ेगा इक्वल एरिया ऑफ लैंड या उससे ज्यादा लैंड पर अब प्लांटेशन जब न्यू लैंड के ऊपर आप लगाओगे तो उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते हो फुली ग्रोन फॉरेस्ट से इसीलिए कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन मेड अ लीगल रिक्वायरमेंट थ्रू कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन फंड एक्ट ट्वेंटी सिक्सटीन डज इंश्योर दैट कि ये जो यहाँ पर नए पार्टसल ऑफ लैंड को एलोकेट किया जा रहा है फॉर डेवलपिंग दैमस फॉरेस्ट तो प्रोजेक्ट डेवलपर्स पब्लिक प्राइवेट तो इसको यहाँ पर जो भी ए फॉरेस्टेशन एक्टिविटी है इसको पूरा फंड करना पड़ेगा तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर किसी पब्लिक एंटिटी का कोई प्रोजेक्ट है और उस प्रोजेक्ट की वजह से यहाँ पर जो लैंड है फॉरेस्ट लैंड इसको यहाँ पर डाइवर्ट किया जा रहा है नॉन फॉरेस्ट पर्पसेज के लिए तो उस पब्लिक एंटिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ए फॉरेस्टेशन का पूरा पैसा वही पब्लिक एंटिटी देगी अब कितना इसको मनी देना पड़ेगा ये कैसे डिसाइड होगा तो ये डिसाइड होता है एन पी वी से नेट प्रेजेंट वैल्यू से द लॉ ऑल्सो एक्नोलॉज दैट न्यूली एफॉरेस्टेटेड लैंड कांट भी एक्सपेक्टेड कि बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो फुली ग्रोन फॉरेस्ट है ये जितना यहाँ पर कार्बन एब्जॉर्व कर रहे हैं उतना यहाँ पर प्लांटेशन तो नहीं कर पाएगा तो लॉ ऑल्सो एक्नोलेजिज दैट न्यूली एफॉरेस्टेटेड लैंड कांट expected to immediately start delivering the range of goods and services for example timber bamboo fuel wood CARBON SEQUESTRATION, SOIL CONSERVATION, jo जो कि forest फॉरेस्ट प्रोवाइड कर रहा था liye जो प्रोजेक्ट डेवलपर्स hain इनको ये कहा जाता है कि आपको पे करना पड़ेगा फॉर द नेट प्रेजेंट वैल्यू तो जितना फॉरेस्ट यहाँ पर क्लियर हुआ है उसकी नेट present value aapko pay karni padegi बेस्ड ऑन अ कैल्कुलेशन जो कि एक एक्सपर्ट कमिटी डिसाइड करेगी अभी नेट प्रेजेंट वैल्यू बेसिकली यहाँ पर साढ़े नौ लाख से लेकर सोलह लाख तक वेरी करती है पर हेक्टेयर डिपेंड करता है कि आपने यहाँ पर किस क्वालिटी ऑफ फॉरस्ट को डाइवर्ट किया फॉर एग्जाम्पल अगर आपने डेंस फॉरस्ट को डाइवर्ट किया है तो सिक्सटी लैक ouais पर हेक्टर देना पड़ेगा अगर बेसिकली यहां पर डेंस फॉरस्ट नहीं है तो आपको कम देना पड़ेगा इस अकॉर्डिंग एक्सपर्ट कमिटी डिसाइड करती है ऑल दिस मनी इज में स्पेंड सोलोली ऑन इनक्रीजिंग और इम्प्रूविंग द क्वालिटी इन द कंट्री और ये इसका ऑब्जेटिव होता है सोलह में आया था लेकिन इसका कॉन्सेप्टी से ही एग्जिस्टेंस में है बट ड्यू टू अदर लिटिगेशन द मनी कलेक्टेड फॉर कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन बिफोर ट्वेंटी सिक्सटीन ये से पहले अनयूटिलाइज रहा करती थी सीरियस वर्क ऑन कॉम्पनसेटरी ए फॉरेस्टेशन ये दो हज़ार सोलह के बाद स्टार्ट हुआ है लेकिन दो हज़ार सोलह के बाद भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारा फंड्स यहाँ पर अनयूटिलाइजड है स्टेट गवर्नमेंट्स हैव टू एन प्लान ऑफ़ ऑपरेशन और उसके बाद यहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है इनको फंड प्रोवाइड कर देती है तो एक प्रॉब्लम तो यह है लो यूटिलाइजेशन ऑफ फंड दूसरी प्रॉब्लम है कि जो लैंड यहाँ पर दिया जा रहा है, यह यहां पर land नहीं है। तो लैक ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफटेबल लैंड रिमेन्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम फॉर कॉम्पनसेटरी दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर यह है वाइट देयर आर एग्जाम्पल्स ऑफ सम गुड प्लाटेस पुअर क्वालिटी इन मोस्ट इंस्टेंसिस ऑल्सो जो यहां पर लैंड दिया जा रहा है यह

तो बेसिकली ये यहाँ पर ऑल्टरनेटिव हो सकता है स्टील का और ये परफेक्ट ऑल्टरनेटिव हमें स्टील का दिख रहा है और इसकी वजह से जो इन्वायरमेंटल कंसर्न है उसको भी एड्रेस किया जा सकता है इसका नाम है बाहुबली तो बाहुबली नेम्ड बहुबली नेक्स्ट हम चलते हैं आगे पिविट टू द बॉटम फिफ्टी परसेंट तो बेसिकली यहाँ पर ऑथर ने ये कहा है कि हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकॉनमी है और अगर बात करें तो हम फाइव ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी भी बन जाएंगे लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो हमारी वेल्थ है इसका इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ है इन इक्वालिटी हमारे यहां लगातार इंक्रीज हो रही है ये हमें ऑक्सफर्म रिपोर्ट से भी पता चलता है कि इन इक्वालिटी यहां पर कितनी तेजी से बढ़ रही है इंडिया जी डी पी इन कॉन्स्टेंट प्राइजेस ये ट्वेंटी फाइव पॉइंट फोर लाख करोड़ थी फिर डबल होगी फिफ्टी पॉइंट एट लाख करोड़ होगी दो हज़ार तीन चार में उसके बाद वापस से डबल होगी सौ लाख करोड़ होगी दो हजार चौदह में दैट इज अ लॉट ऑफ वेल्थ जो पर कैपिटा इनकम करेंट प्राइजेस पर थी ये छः हजार आठ सौ पैंतीस रुपए थी नाइनटीन नाइनटी वन नाइनटी टू में दो हज़ार इक्कीस बाईस में ये वन लाख सेवेंटी वन थाउजेंड है वी फील्ड द पुअर वेल्थ तो इतनी ज़्यादा है लेकिन बात यह है कि इनक्वालिटी भी इसके अकॉर्डिंग ही बहुत तेजी में बढ़ी है और हमें दिख रहा है कि इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एंड इनकम हो रखा है तो देयर वाज स्टॉक ऑफ इंडिया की इंडिया यहाँ पर मिडिल इनकम कंट्री बन गया लेकिन एक्चुअली इंडिया मिडिल इनकम कंट्री नहीं बना है बहुत सारे लोग हमारे यहाँ गरीब हैं

देर इज़ इन प्रैक्टिकल टर्म्स नो वेल्थ टैक्स नो इनहेरिटेंस टैक्स जो एग्रीकल्चरल इनकम है ये भी आउटसाइड द टैक्स नेट है जो गिफ्ट रिलेटिव्स को दिए जाते हैं ये भी टैक्सेबल नहीं है तो वेल्थी इंडिविजुअल्स आसानी से अपनी वेल्थ को रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं द बॉटम फिफ्टी परसेंट इज पुअर क्योंकि इनके पास बहुत कम एसेट्स हैं बहुत कम इनकम है अपॉर्चुनिटी नहीं है एडवांसमेंट की देयर आर मिलियंस ऑफ पुअर पीपल लेकिन बेसिकली ये है कि हम इनको नोटिस नहीं करते हैं

इस जी ट्वेंटी मीट इंडिया नैमेंट डिफरेंस बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है इस आर्टिकल में एक लाइन भी इम्पॉर्टेंट नहीं है यू एन न्यूक्लियर चीफ मीट्स ईरान ऑफिसर्स ओवर कंट्रीज न्यूक्लियर फ्यूल तो ईरान ने बेसिकली ये कहा कि हमने यहाँ पर एनरिचमेंट कर लिया है और ईरान का जो एनरिचमेंट है ये एटी थ्री पॉइंट सेवन परसेंट पहुँच चुका है तो ईरान जल्द ही अगर नाइन्टी परसेंट कर लेता है तो वेपन ग्रेड हो जाएगा इसीलिए जो यू के न्यूक्लियर चीफ है ये ईरान ऑफिसर्स मिलेंगे कि आप यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन मत बनाओ अगर बात करें तो जो ईरान है इसकी 2015 में न्यूक्लियर डील हुई थी जो वर्ल्ड पावर है बेसिकली यहाँ पर पी फाइव प्लस एक जर्मनी था तो इनकी यहाँ पर डील हुई थी जिसमें ईरान ने यह कहा था ईरान से इन कंट्रीज ने यह कहा था कि आप जो आपका एनरिचमेंट है इसको यहाँ पर थ्री पॉइंट सिक्स सेवन परसेंट रखोगे इससे ज़्यादा आप एनरिचमेंट नहीं करोगे ईरान ने कहा था ठीक है हम नहीं करेंगे एनरिचमेंट बदले में ईरान को क्या मिला था तो ईरान से यह कहा गया था कि आपके ऊपर जो भी सेंक्शंस लगाए थे हम आप के ऊपर से सारे सेंशन हटा रहे हैं उसके बाद आते हैं डोनाल्ड ट्रंप डोनाल्ड ट्रंप क्या करते हैं इस डील से यूएसए को बाहर कर देते हैं और इस डील से जब यूएसए बाहर आ जाता है और वो उसके बाद यूएसए जो है ईरान के ऊपर सेंक्शन लगाता है फिर ईरान के ऊपर जब सैंकन्स लगने लग गए तो ईरान का भी कहना था हम भी यहाँ पर डील के टर्म्स नहीं मानने वाले हैं और हमारा जितना मन होगा हम उतना एनरिचमेंट करेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पर ईरान ने बहुत ज़्यादा एनरिचमेंट करना शुरू किया और ईरान एटी थ्री पॉइंट सेवन परसेंट एनरिचमेंट कर चुका है जस्ट शॉर्ट ऑफ वेपन्स ग्रेड और अगर ये नाइन्टी परसेंट हो जाता है तो बेसिकली वेपन ग्रेड बन जाएगा तो अर्लीयर दिस वीक वियाना बेस्ड इंटरनेशनल अटोमिक एनर्जी एजेंसी रिपोर्टेड दैट यूरेनियम पार्टिकल्स 83.7 परसेंट जस्ट शॉर्ट ऑफ वेपन्स ग्रेट वर फाउंड इन इरान अंडरग्राउंड फोर्डो न्यूक्लियर साइट फिर ईरान की 2015 की जो न्यूक्लियर डील हुई थी बेसिकली इसका नाम था जे सी पी ओ ए ज्वाइंट कॉम्प्रेहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन ईरान की दो की न्यूक्लियर डील हुई थी विद वर्ल्ड पावर्स लिमिटेड की तहरान यहाँ पर यूरनियम स्टॉक पॉइल कितना रख सकता है एनरिचमेंट कितना कर सकता है यूएस ने उसके बाद विद्रॉ कर लिया बेसिकली यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने विड्रॉ कर लिया था इस अकॉर्ड से 2018 में और ईरान के ऊपर सेंशन लगा दिए थे begin, उसके बाद ईरान ने भी यहाँ पर डील के रेस्ट्रिक्शन को ब्रीच करना स्टार्ट कर दिया ईरान लॉन्ग हैज़ सीकिंग न्यूक्लियर वेपन्स एंड ईरान का ये कहना है कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर पीसफुल है नेक्स्ट सिविलियंस फ्ली टाउन तो आपको सिर्फ यहाँ पर बाखमत की लोकेशन याद रखनी तो है लोकेशन कहाँ पर है तो ये है यूक्रेन में यहाँ पर वैगनर की बात की गई है तो वैगनर क्या है रशिया की प्राइवेट मिलिट्री है वैगनर साइंटिस्ट बिहाइंड स्पुतनिक स्पुतनिक वैक्सीन फाउंड तो 5, ये किसकी वैक्सीन है तो ये रशिया की कोविड नाइनटीन की वैक्सीन है जो कि रशिया ने बनाई है तो कोविड नाइनटीन वैक्सीन स्पुतनिक फाइव चाइना सेज तो चाइना अपने डिफेंस बजट को थ्री बिलियन डॉलर तक ले जा सकता है और ये एक जरूर चिंता का विषय है इंडिया के लिए भी यूएसए के लिए अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का डिफेंस बजट अराउंड सेवेंटी टू बिलियन डॉलर है और यहाँ पर चाइना का बजट थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर होने वाला है और इंडिया का ये जो मोस्टली बजट है इसमें बात करें तो जो मोस्ट ऑफ द बजट है ये सैलरीज में जाता है पेंशन में जाता है इंक्रीजेज इन चाइनाज डिफेंस बजट हैव बीन एंड रीजनेबल ऐसा यहाँ पर चाइना का कहना है लेकिन आप समझ सकते हो कि थ्री हंड्रेड बिलियन डॉलर बहुत ज्यादा बजट हो जाता है सिर्फ डिफेंस के लिए लंकाज इंटरेस्ट रेट हाइक डिस्प्लेस कमिटमेंट तो लंका यहाँ पर क्या कर रहा है श्रीलंका अपने इंटरेस्ट रेट को राइज कर रहा है इंटरेस्ट रेट को क्यों राइज कर रहा है क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है तो इन्फ्लेशन को कम करने के लिए इंटरेस्ट रेट को राइज़ कर रहा है अब इन्फ्लेशन का जो रेट कम होता है उसको डिस इन्फ्लेशन कहते हैं डीफ्लेशन और डिसइनफ्लेशन में फ़र्क होता है इन्फ्लेशन फॉर एग्जाम्पल दस परसेंट से हो रहा है और इन्फ्लेशन अगर सात परसेंट हो जाता है तो इसको डिस इन्फ्लेशन बोलेंगे तो आपको फ़र्क पता होना चाहिए कि डिस इन्फ्लेशन और डीफ्लेशन में क्या फ़र्क होता है आगे चलते हैं हम चिप रीडिज़ाइन टू ऑप्टिमाइज सर्वर ऑपरेशन वाटर टू कीप कूल तो जो डेटा सेंटर होता है जो क्लाउड होता है डिजिटल वर्ल्ड के लिए सब कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन बात यह है कि सर्वर्स को यहाँ पर कूल cool रखना पड़ता है और सर्वर्स को जब कूल cool रखना पड़ता है इसका मतलब यह है कि बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट की जरूरत होती है आपको यहाँ पर ए चलाने पड़ते हैं ट्वेंटी आवर जिसकी वजह से यहाँ पर आप कह सकते हो कि ये जो डेटा सेंटर्स और ये जो क्लाउड सर्विसेज़ होती हैं ये एनर्जी गजलट से बहुत ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम कर रही हैं तो इसका सलूशन निकाला गया इसका सलूशन ये निकाला गया कि ये जो डेटा सर्वर है इनको बेसिकली डीप सी में डाल देना चाहिए और जिसकी वजह से हमें इतने ज़्यादा ए की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये यहाँ पर एफिशिएंट हो सकेगा तो माइक्रोसॉफ्ट का इसके लिए एक प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट नेटिक एन ए टी आई सी के तो डेटा सेंटर्स एंड द क्लाउड एंड इंटेग्र पार्ट ऑफ द डिजिटल वर्ल्ड वेयर नियरली ऑल ऑफ द यूजर डेटा फोटोग्राफ्स म्यूजिक एंड मूवीज एंड अपटिंग स्टोर आर ऑल्सो मैसेव गजलट्स ऑफ एनर्जी और यहाँ पर जो एनर्जी का यूज होता है ये प्रोसेसिंग के लिए यूज नहीं हो रहा है बेसिकली यहाँ पर सर्वर्स को ठंडा करने के लिए यूज हो रहा है बट टू एक्चुअली कीप द सर्वर कुल दिस प्रॉब इज एग्रेवेट बाई द कॉम्प्लेक्स डिजाइन ऑफ द मॉडर्न सर्वर्स और जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है हाई ऑपरेटिंग टेम्परेचर और जिसकी वजह से यहाँ पर सर्वर्स को कूल रखने की जरूरत पड़ती है तो ई पी एफ एल ने एक, एक एक्सपेरिमेंट किया है जिसका नाम है मल्टी कोर आर्किटेक्चर टेम्पलेट विद एन इंटीग्रेटेड ऑन चिप माइक्रोफिक फ्यूल सेल नेटवर्क इसका मतलब यह है कि यहाँ पर टाइनी माइक्रोफ्लूडिक्स चैनल्स का यूज़ किया जा रहा है चिप लेवल पर सो दैट यहाँ पर सर्वर्स को कूल रखा जा सके और जो हीट है उसको यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट किया जा सके तो ये इनका एक प्रोजेक्ट है इसके अलावा यूएस बेस्ड कंपनी है कॉल्ड सब्सी क्लाउड जिसने प्रपोज किया है कि जो कमर्शियल डेटा सेंटर्स है इनको डीप ओशन वाटर्स में डाला जाए और जिसकी वजह से यहाँ पर जो एनर्जी गजलेंगे ये कम हो सकेगी एनर्जी एफिशिएंसी यहाँ पर इंप्रूव हो सकेगी माइक्रोसॉफ्ट ने भी यहाँ पर समथिंग सिमिलर कुछ प्रपोज किया है तो बिल्डिंग अ बिग ट्यूब विद क्लोज एंड्स प्लेसिंग सर्विस इनसाइड दिस ट्यूब और उसके बाद इसको यहाँ पर ओशन फ्लोर में ड्रॉप कर दो एज पार्ट ऑफ दिस प्लांट माइक्रोसॉफ्ट प्रोजेक्ट नेटिक एन ए टी आई सी के इन्होंने किया भी था दो में ऐसा और उसके बाद से इसको यहाँ पर मॉनिटर किया जा रहा है रीज़न फॉर ऑल ऑफ दीज एक्सपेरिमेंट इज द वे कंप्यूटर चिप्स जिस तरीके से डिजाइन की जाती हैं तो एक यहाँ पर ये भी सोल्यूशन हो सकता है कि जो डिज़ाइन है इसको चेंज किया जाए तो बेसिकली यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक पावर ली जाती है ये थिन कॉपर वायर से ली जाती है रनिंग थ्रू दैम दैट देन डिसिपेट द जनरेट हीट इन टू द सराउंडिंग एयर दे आर बाई रिक्वायरिंग लार्जर नंबर ऑफ एयर कंडीशनर्स टू वर्क ओवर टाइम टू की एम्बेंट एयर इन सर्वर रूम स्कूल तो इसका सोल्यूशन निकालने की जरूरत है तो आपको यहाँ पर ये जो प्रोजेक्ट है माइक्रोसॉफ्ट का ये जरूर पता होना चाहिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट कट्स विंडफॉल प्रॉफिट टैक्स वाई वॉज इट इम्पोस्ड तो विंडफॉल टैक्स यहाँ पर लगाया ही क्यों गया था तो बेसिकली अगर यहाँ पर किसी भी सेक्टर को विंडफॉल प्रॉफिट हो रहा है विंडफॉल प्रॉफिट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हम ऑयल कंपनीज की बात करते हैं तो ऑयल कंपनीज को यहाँ पर रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा फायदा हुआ क्योंकि यहाँ पर रशिया के ऊपर सेंक्शन लगा दिए गए थे ऑयल की सप्लाई कम हो गई और जिसकी वजह से यहाँ पर प्राइस ऊपर चले गए अब ऐसा तो नहीं है कि ऑयल कंपनीज ने कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू कर दिया इन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशन किया नई टेक्नोलॉजी लिया नहीं बेसिकली यहाँ पर सिचुएशन इस तरीके से क्रिएट हो गई कि इनको यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट होने लग गया तो ये जो इनको प्रॉफिट हुआ बेसिकली यहाँ पर एबनॉर्मल टाइप का प्रॉफिट सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ जिसके लिए इन्होंने कोई एफर्ट नहीं डाला इसको बोलते हैं विंडफॉल प्रॉफिट और सरकार ने बेसिकली ये कहा कि ये जो आपको विंडफॉल प्रॉफिट हुआ है इसके ऊपर हम लगाएंगे विंडफॉल टैक्स और सरकार का विंडफॉल टैक्स लगाने का एक और रीज़न ये भी था कि ये जो कंपनीज थी ऑयल कंपनीज़ ये इंडिया में सप्लाई ना करके एक्सपोर्ट कर रहे थे क्योंकि एक्सपोर्ट में इनको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था और जिसकी वजह से कंट्री में फ्यूल डिस्टर्बन हो गई थी कंट्री में बेसिकली यहाँ पर फ्यूल की शॉर्टेज हो गई थी इसीलिए सरकार ने कहा कि भाई आप बाहर तो मत बेचो उसको ही डिसइंसेंटिवाइज करने के लिए भी यहाँ पर विंडफॉल टैक्स लगाया गया था What is windfall gains tax and why was it imposed? It is a term used to describe cesses under the ambit of central excise imposed on fuel exports and domestic crude supply production to tax supernormal profits of fuel exporters and oil producers. In case of domestic crude oil and ATF exports, windfall gain tax is in the form of a special additional excise duty or diesel combination basically special additional excise duty or additional excise duty. So, crude oil ke is प्राइस ऑफ क्रूड ऑयल प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इज बेंचमार्क टू इंटरनेशनल प्राइसेस तो डोमेस्टिक ऑयल प्राइसेस भी यहाँ पर बहुत ऊपर गए एट द सेम टाइम जो मार्जिन थी फ्यूल्स के ऊपर ये ज्यादा लीक्रेटिव थी अगर ये एक्सपोर्ट कर रहे थे इंसेंटिवाइजिंग रिफाइंडर्स पर्टिकुलरली प्राइवेट सेक्टर और जिसकी वजह से फ्यूल को एक्सपोर्ट करने लग गए और इंडिया में यहाँ पर फ्यूल सप्लाई डिस्ट्रप्शन होने लगे जिसकी वजह से यहाँ पर सरकार ने कहा अब लगेगा टैक्स अपार्ट फ्रॉम टेकिंग अ शेयर ऑफ विन फॉर प्रॉफिट्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूसर्स एंड फ्यूल एक्सपोर्टर्स टू पार्टली सॉफ्ट एंड द ब्लो ऑफ ड्यूटी कर्ट ऑन डोमेस्टिक पेट्रोल एंड डीजल सेल्स गवर्नमेंट ने यह कहा कि इनअफ़ सप्लाई होनी चाहिए और इसके बाद आपको विंड फॉर टैक्स पता होना चाहिए और विन फॉल प्रॉफिट क्या होते हैं ये भी आपको पता ही होना चाहिए आज की न्यूज़पेपर में इतना ही था अगर आपको इंडियन एक्सप्रेस हाइलाइटेड पोर्शन चाहिए प्लस स्टैटिक पार्ट रिलेटेड टू एवरी टॉपिक तो आप इसको बाय कर सकते हो आप मार्च मंथ के लिए बाय कर सकते हो ये आपको कॉस्ट करेगा हंड्रेड रुपीज़ पर मंथ इसके लिए आपको क्या प्रोसीजर फॉलो करने की जरूरत है तो सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम अकाउंट का एक यूजर नेम बनाना है देन यू हैव टू चेंज योर प्रोवेसी सेटिंग्स फॉर देट आपको सेटिंग्स में जाना है देन प्रोवेसी इंड सिक्योरिटी देन ग्रुप्स एंड चैनल्स हु कैन एडमिट टू द ग्रुप चैट्स वहां पर आपको एवरी चूज करना है यू कैन पे वाई अई टू द मैंशन यू पी आई आई डी एंड देन यू हैव टू सेंड पेमेंट प्रूफ अलॉन्ग विद्रामी टू देंशन ई मेल आई डी प्रोग्राम है लास्ट वन पॉइंट फाइव के करंट अफेयर्स कवर किए जा रहे हैं फॉर दिस अपकमिंग प्रॉब्लम्स। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हो पर्टिकुलर मेल आई डी पर मेल करके तो आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट कर सकते हो इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब थैन यू एंड